तो हाँ जी, क्या हाल चाल? तो भाई IQ Ready अपने Neo 9 सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए जिसका नाम रखा गया है IQ Neo 9 S Pro। जी हाँ, ये स्मार्टफोन बहुत जल्दी बताया जा रहा है कि इंडिया में भी देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये कोई नया स्मार्टफोन नहीं है, जो चाइना में भी हाल ही में लॉन्च हुआ है ना IQ Neo 9 Pro, उसी का ही रीब्रांड होने वाला है। बट लेकिन परंतु किंतु इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और क्या चेंजेस किए जाएंगे, सब कुछ आगे बात करने वाले हैं। और हाँ, प्रिडिक्शन जो लगाई गई है प्राइस की, जो इंडिया में लॉन्च होगा तो क्या प्राइस होगी, लेकिन सवाल मन में आ रहा है कि भाई इंडिया में कब तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो देखिए, अभी लॉन्चिंग डेट के बारे में कुछ सामने तो नहीं आया, लेकिन प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि यदि इंडिया BIS पर लिस्ट हो गया ना, तो मान के चलिए कि जून तक आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये एक लीक्स रूमर्स है, क्या जैसे ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन चलिए देखते हैं IQ Neo 9 S Pro में IQ Neo 9 Pro से कितना बदलाव होने वाला है, क्या सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप पैसे कैसे कमाएंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप। आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो आज चलिए देखते हैं दिखने में कैसा होने वाला, क्या होगी बिल्ड क्वालिटी, क्या होने वाला, सब कुछ बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो भाई साहब, नो डाउट यहां आपको दो टाइप की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली बताया जा रहा है। एक ग्लास बैक हो जाएगा, वही वेगन लेदर के साथ प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाली है। लेकिन फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, पता है ना, जब कुछ अच्छा होता है तो कंपनी गला फाड़ के चिल्ला के बोलती है भाई साहब ये प्रोटेक्शन मैं देने वाला हूं। यहां कहीं मेंशन नहीं, तो मान के चलिए ठीक ठाक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, टेंपर्ड ग्लास आपको लगा के चलना पड़ेगा। फिलहाल बता दें, इस फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 190 ग्राम थिकनेस 8 mm के आसपास देखने को मिलने वाले। लेकिन IP रेटिंग क्या होगी कहीं कुछ मेंशन नहीं है। अब चांसेस है कि IP रेटिंग देखने को मिल सकती है, शायद मे भी हो सके IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाए। खैर चलिए अब बात करते हैं कि इस बार दिखने में कैसा होने वाला IQ Neo 9 S Pro। चलिए बात करते हैं डिजाइन की। तो जैसा IQ Neo 9 Pro लॉन्च हुआ चाइना में वैसे ही कुछ होगा, लेकिन ये डबल कलर में नहीं आएगा, सिंपल कलर होगा। जी हाँ, आप बैक साइड देखेंगे टॉप पर दो कैमरा हाउसिंग देखने को मिलती है, जो भी इंडिविजुअल है दो आपको कैमरा हाउसिंग मिलेगी एलईडी फ्लैश के साथ। नीचे आपको IQ की ब्रांडिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन फ्रंट की बात करें सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन बॉडी टू रेशियो 89.7% के आसपास बताई जा रही है, यानी कि वेजल चीन पतली सी होने वाली। लेकिन कलर्स की बात करें फिलहाल दो ही कलर्स बताया गया है, ब्लैक और एक होगा ब्लू। ब्लू कलर जो है कंफर्म है, यही टीज किया जा रहा है हर जगह। लेकिन बात है कि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए क्या डिस्प्ले सही होगी, चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है जो चाइना में लॉन्च हुआ IQ Neo 9 Pro कुछ वैसे ही डिस्प्ले होने वाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 10-bit का LTPO AMOLED पैनल, 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 2200 का स्पेक रेशियो, 453 ppi के पिक्सल डेंसिटी, 3000 nits की पिक ब्राइटनेस, 144Hz की रिफ्रेश रेट, 480Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1, सपोर्ट जबरदस्त है, स्क्रीन साइज अच्छी है, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला है, ऊपर से 1.5K 10 bits का है, कलर्स रिप्रोड्यूस आपको अच्छा होने वाला है, ब्राइटनेस शानदार है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स को छोड़ के अमेजन यूट्यूब दोनों में आप HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं। हाँ, टच सैम्पलिंग रेट कॉम्बिनेशन जो है आपका रिफ्रेश के साथ शानदार दिया गया, यानी कि गेमिंग करने के लिए सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे स्मूथनेस भी नजर आने वाली, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी को भी शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन को चलाने के लिए दिमाग कौन सा यूज किया गया, वही है क्या जो आपको IQ 9 Pro में देखने को मिला था, या कुछ चेंजेस है, चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को शक्ति मिलेगा MediaTek की तरफ से Dimensity 9300 प्रोसेसर। भाई साहब, प्रोसेसर अपग्रेड कर दिया गया है, मतलब Snapdragon 8 Gen 2 8S Gen 3 से भी दमदार है भाई, प्रोसेसर जबरदस्त है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीटिंग उसको काफी कम देखने को मिलता है, ऊपर से वेपर चैम्बर कूलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऊपर से IQ की ब्रांडिंग है तो समझ सकते हैं परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन तो बनाती ही है, यानी कि गेमिंग भी करने में मजा आने वाला। चलिए नजर डालते हैं इसके रॉ सिस्टम कितना पावरफुल है। यहाँ को मिलेगा 1 Cortex X4 जो कि 3.25 GHz क्लॉक किया गया, 3 Cortex X4 जो कि 2.85 GHz क्लॉक किया गया, 4 Cortex A720 जो
कि 2 GHz क्लॉक की अगर यहाँ देखा जाए तो कोर्टेक्स A510 वाला देखने को नहीं मिलता है, आपको चारों मिलते हैं X4 और चारों मिलते हैं 720, यानी दमदार परफॉर्मेंस, बटरी स्मूथ दमदार है एकदम से, और गेमिंग करेंगे 90 FPS तक सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको चिप मिलेंगे, एक्स्ट्रा गेमिंग चिप मिलता है, जहाँ पर आपको 120 रिफ्रेश रेट का भी FPS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ मिलेगा RMali G720 MP12GB LPDDR5X RAM UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है। रही बात ऑन टू द स्कोर की, तो 22,57,000 के आसपास देखने को मिली है, दमदार परफॉर्मेंस है भाई साहब, ऊपर से 10 5G बैंड भी देखने को मिल जाता है, यानी परफॉर्मेंस से तो कोई शिकायत आएगी नहीं, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन तो बनाती है, यदि परफॉर्मेंस स्पेशली लेना है तो अब इस स्मार्टफोन तक जा सकते हैं, बस इंडिया में लॉन्च हो जाए। कन्फर्मेशन है अभी 50-60% चांसेस है कि इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, बस BIS में लिस्ट हो जाए तो आपको मैं जरूर अपडेट करूंगा। ट्विटर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, दमदार स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन क्या इस स्मार्टफोन से इमेज और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो कैप्चर करेंगे, क्या काम के हैं? चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। तो दोस्तों देखिए, दो कैमरा मिलेगा, दोनों ही काम के। जी हाँ, पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वहीं 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला भी है। कैमरा भी कंफर्म नहीं है, ये लीक्स रूमर्स है। 8K 24 FPS, 4K 60 FPS और 1080p 240p रिकॉर्ड कर सकते हैं। रही बात अपने खूबसूरत चेहरे को चेक निरीक्षण करने के लिए, यहाँ आपको मिलने वाली है 16 MP का सेल्फी कैमरा, 4K 1080 दोनों ही 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि देखा जाए क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे भी IQ कैमरा सेंट्रिक फोन तो नहीं बनाती है, यानी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, परफॉर्मेंस दमदार है, कैमरा आपका ठीक ठाक मतलब डिसेंट निकाल कर दे देती है, प्राइस भी अच्छी निकालती है। खैर अब बात करते हैं कि इस फोन को जान फूकने के लिए कितना एमएच की बैटरी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को जान फूकने के लिए मिलेगा 5160 mAh की बैटरी, 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जर बॉक्स पे डेफिनेटली मिलता है, बैकअप शानदार करके देगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। तो भाई साहब नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सारे सेंसर मिलते हैं, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फ्लावर दिखा, चिटर पुटर, NFC मिल जाता है यहाँ पर, डुअल स्टोरियो स्पीकर मिलेगा, यूसी टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार स्लॉट देखने को मिलने वाला है, लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी होने वाली है। अब बात कर लेते इसके सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में मिलेगा जैसे लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ डी बॉक्स, साथ ही फ्रंट टच OS 14 देखने को मिलेगा, जहां पर ब्लॉगर होते हैं, हॉट ऐप हॉट गेम हटा सकते हैं, UI एक्सपीरियंस आपको डिसेंट मिलने वाली है, लेकिन अपडेट साइकिल बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स 2 साल एंड्रॉइड 3 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा, ये लीक्स रूमर्स है। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। तो दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें, बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स 3 वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। पहला मिलेगा 8+128, 8+256, 12+256, लेकिन प्राइस क्या होगी और कैसे पैसे कमाएंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, केवल 150 टारगेट है पहुंचाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ, IQ लवर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो स्पेशली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लेना चाहते हैं और यहां तक आए हैं ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी ना बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की। तो दोस्तों देखिए प्राइस तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, मेरा भी यही मानना है समवेयर अराउंड 36,000 के अंदर देखने को मिल सकती है। खैर वेटिंग है कि BIS पर लिस्ट हो जाए, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा क्या होगा नहीं होगा, और क्या अपडेट होने के बाद उसका कंफर्म भी मिल जाता है कि हाँ क्या क्या इसमें और कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन प्रोसेसर तो भाई साहब कंफर्म हो चुका है, कैमरा खाली बचा हुआ है, कैमरा यही है, कौन सा सेंसर यूज करेंगे। लेकिन देखा जाए यदि ये इंडिया में लॉन्च हो गया तो भाई साहब बेस्ट स्मार्टफोन और इस प्राइस रेंज में, जहां तक मुझे पता है कि 40 तक जा सकता है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, कितना एक्साइटेड है IQ Neo 9S Pro को लेकर, और आपके हिसाब से क्या प्राइस रेंज हो सकती है और इसमें आप क्या चेंजेस देखना पसंद करेंगे, जरूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि देखिए इस कमेंट से ना मुझे भी मोटिवेशन तो मिलता है और थोड़ा सा YouTube के एल्गोरिथम लगता है व्यूज में हेल्प होते हैं, और आपको भी यहां पर अच्छे खासे पैसे कमाने के चांसेस मिलते हैं जितना आप कमेंट करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जो 4 बंदे का नाम आएगा उसी में से ही ये रैंडमली सेलेक्ट होगा मंडे टू सैटरडे के वीडियो के इसमें कमेंट में, उनका नाम विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा अगले दिन, यानी संडे के वीडियो में अनाउंस कर, मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी ये विनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद 4 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि मैं उस टाइम बताऊंगा कैसे आपको क्लेम करनी है
विनर मतलब प्राइस का जो कि 500 रुपीस आपको सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, उस वक्त बताया जाएगा। तो कमेंट करिए, कीप कमेंटिंग गाइस, और पैसे कमाने का चांसेस अपने नाम करिए भाई साहब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।